अर्चना जी, म्यूजिक की आप भी बड़ी शौकीन है. म्यूजिक के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, मतलब कोई आदमी कैसा म्यूजिक सुन रहा है उससे उसके हालात पता चलते हैं. अगर कोई आदमी रोमांटिक गाने सुन रहा है तो समझो इसका नया नया फेयर शुरू है. और अगर कोई गजल सुन रहा है तो समझो उसकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, दोनों से नहीं बनती है, अपनी गजल सुन रहा आराम से. और अगर कोई 40-45 की उम्र में भजन सुनना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसने ये मान लिया है कि जितनी कटनी थी कट गई, आगे वाली सुधार लो. अच्छा आप देखना, जो जिस तरह की गायकी करता है, जिस तरीके का उसका स्टाइल होता है, लोग उसको गिफ्ट भी वैसे ही देते हैं. उसके घर में वैसी चीजें होती हैं. अच्छा. जैसे आप रैपर के घर चले जाओ, आपको कैप, हैट, जैकेट्स, ग्लासेस, ये वो अंगूठियां वंगूठियां, बड़े बड़े शूज मिलेंगे. वही आप किसी गजल गायक के घर चले जाओ, आपको एक से बढ़ के एक शीशे के गिलास मिलेंगे. शीशे के? हाँ, क्योंकि गजल वाले क्या करते हैं, अपने मेहमानों को थोड़ी थोड़ी पिला के फिर गजल सुनाते हैं. और वही अगर कोई भजन सिंगर हो तो उनके घर में आपको नारियल और शॉल ऐसी चीजें बड़ी मिलेंगी. उस आदमी को गुस्सा बड़ा आता है कि मुझे, मैं क्या शॉल लेके नारियल छीलता रहूं, इतने शॉल दिए, मैं क्या फ्रिज में रहता हूं, हमें भी कोई ऐसी चीज दो कि हम भी उसमें बर्फ डाल के एंजॉय करें. वैसे परमीत सर को क्लासिकल की बड़ी नॉलेज है मैम. मैं मतलब सीरियसली, मैंने एक दिन उनसे ऐसे ही बातचीत की तो बातों बातों में बता रहे थे, कहते अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग गाना हो तो राग भैरव सुनना चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में. सारे दिन में कुछ सुनना हो तो राग भीम प्लासी सुनो आप, शाम को सुनना हो तो राग दरबारी, रात को सुनना हो तो राग बिहाग. तो मैंने कहा ऐसा कोई राग है जो 24 घंटे सुना जा सकता है? कहते अर्धांगिनी राग. वही राग होता है जो 24 घंटे सुनना पड़ता है. तो मैंने कहा अगर मन नहीं हो सुनने का, कहते फिर उनको अर्धांगिनी को मारपीट राग भी आता है तो वो सुना ही देती है. आप कभी क्लासिकल इवेंट चल रहा हो ना तो आप पीछे देखना, एक पीछे उस्ताद जी बैठे थे ना, है ना, तो वो चलते चलते जो उन्होंने मेहमान बुलाए होते हैं ना उनको बिठाने के जगह भी बता देते हैं, कोई आ रहा है मान लो चलते के, एक जो टिपिकल क्लासिकल गाने वाले होते हैं ना गुरुजी जो बैठ के गाते हैं है ना, तो वो जितना गाना गाते नहीं है उससे ज्यादा अपनी टांगे पीट लेते हैं वो, है ना. अच्छा ऐसे 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 जो गीतकार होते हैं इनका एक फायदा है, क्या? इनकी धोती में कभी चींटी नहीं घुस सकती. और अगर घुस भी जाए ना तो घुटने से ऊपर नहीं जा सकते, उधर निपटा देते. कॉन्सर्ट के बाद झाड़ते फिर कि ऑडियंस तो पता नहीं कितनी आई चींटियां बाहर निकली हैं. अच्छा जो महान सिंगर होते हैं वो गाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से आग लगा देते हैं मंच पे. ऐसे ही कमाल के धुरंधर दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच में आ रहे हैं. मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा. प्लीज वेलकम लेजेंडरी सिंगर्स. सबसे पहले आ रहे हैं मिस्टर हरिहरन जी. और इससे पहले कि हरि सर से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं हमारे दूसरे मेहमान उनको इन्वाइट करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम मिस्टर अनूप जलोटा जी. वाह वाह क्या बात है, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए. आइए सर, आइए प्लीज विराजमान. नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज उदास जी. बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए. थैंक यू, थैंक यू. आइए, वेलकम. थैंक यू, थैंक यू. हाय हरी. हाय. क्या बात है सर, आप तीनों ने आते ही माहौल ऐसा बना दिया ना, आप तो कसम से ऐसे लग रहे हैं जैसे अपनी रिसेप्शन से उठ के आ रहे हैं सीधा, है ना. देखो आज पहली बार हमारे स्टूडियो में ऑडियंस आई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मुबारक शुरू, आज से शुरू मुबारक. अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये एक बात बता दूं, सबको वैसे पता ही है कि हमारे तीनों ही जो मेहमान है तीनों ही पद्मश्री से सम्मानित है. तो सर अर्चना जी का एक सवाल था, कहती जैसे आप पद्मश्री हैं तीनों ही, तो आप पद्मश्री को घर की श्रीमती से कुछ रियायतें मिलती, जैसे बीवी का फोन आया तो उसी टाइम उठाना पड़ता है आपको? जब मुझे मिला वो अवार्ड जी, तो मेरी बीवी बेंगलुरु में थी. अच्छा जी. तो मैंने बड़ा एक्साइट होके मैं फोन किया, ललिता अरे यार मुझे पद्मश्री मिला. तो बोली कि तू पद्मारक मुझे श्री दे दे. अभी देखिए आप ये हालत है. वाह. अच्छा एक बात बताऊं, हरी जी के बाद बताऊं,
जी ये हमेशा नया गाते हैं, इनके गाने में नई बात, नए काम करते हैं। सीता जी का हरण तो सबने सुना, इन्होंने हरी को ही हरण कर लिया। अच्छा देखो वर्ड प्ले शुरू हो गया सर। हरिहरन बिल्कुल नहीं, मुझे याद है ये मेरा नाम है हरिहरन और रविंदर जैन जी जी मुझे हरा हिरन कहते थे। कमाल है उनका अंदाज अलग है। पर वैसे हरिहरन सर हमने सुना है कि हरिहरन आपको लोग प्यार से बुलाते हैं, आपका नाम भी है, पर पूरा नाम ये नहीं है, पूरा और भी शायद है। मैं ये नाम कहने से पहले मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ। जी मैं और लेजली हम गए थे न्यूयॉर्क अच्छा कुछ एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो जो भी हमने ट्रैवलर्स चेक्स लिए थे वो उसको दिखाना था कि भाई हम ये काम के लिए आए हैं, तो अमेरिकन था, जेंटलमैन व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने बोला लेजली लुइस, तो बोला अच्छा यू कम फ्रॉम इंडिया, आई थॉट यू आर एन अमेरिकन, करके लिख लिया नाम फटाफट। तो मुझसे पूछा ब्रदर व्हाट्स योर नेम, ए हरिहरन, तो बोले वो आई नीड योर फुल नेम, तो आई सेड डोंट ब्लेम मी, यू आस्क माई नेम, यू गॉट राइट इट डाउन, प्लीज गो अहेड। अनंत सुब्रमणि हरिहरन, अच्छा अनंत सुब्रमणि हरिहरन, हरिहरन अच्छा ये मेरा नाम है। अच्छा मुझे जब फोन आया ना कि आपको इस बार पद्मश्री दे रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया कि अच्छा। आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे पद्मश्री मिल रहा है, तो कहने लगी हाँ मुझे बड़ी खुशी है, अब आज से जरा ठीक से गाना। आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ पंकज सर? नहीं मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पता ही नहीं था। अच्छा जी। मुझे रात में मेरे एक दोस्त ने फोन करके बताया अच्छा कि भाई कांग्रेचुलेशंस तुम्हें पद्मश्री मिला। मैंने कहा क्या पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री? हाय हाय कौन सा पद्मश्री लगा रहे, न्यूज़ ऑन करो और जरा पढ़ो तुम, तो तब जाके पता चला। क्या बात। अच्छा अवार्ड की बात चल रही है तो मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनूप सर के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस बात के लिए ताली होनी चाहिए। अर्चना जी पूछ रही थी, कहती जब अनूप जी आएंगे इनसे पूछना कि कभी तोल के देखा आपने कितने तोला सोना है आपके पास। अनूप डोंट लिसन टू मेरा, मैंने तराजू बना लिया गोल्ड का। ओह आई एम श्योर। पर सर वैसे टोटल कितने डिस्क हैं आपके पास? अबाउट 100 गोल्ड एंड प्लेटिनम मिक्स। वाओ गोल्ड प्लेटिनम मल्टी प्लेटिनम। कहां रखे हैं आप उसको? मैंने सिर्फ चार रखे हैं, बाकी बांट दिए। बांट दिए? मैं अपने घर में कोई ट्रॉफी नहीं लेके आता, अभी तक 8-10 हज़ार ट्रॉफीज मिली होंगी, मोमेंटोज मिले होंगे, मैं वहीं पर किसी फैन को दे देता हूँ, ये तुम ले जाओ, तो वो सही सलामत ज़्यादा खुश होता है। हाँ। मुझसे ज़्यादा वो खुश होता है। क्या बात। आपको पता है अर्चना जी एल्विस प्रेसले बहुत बड़े वो भी कमाल लेजेंड रहे हैं, उनके पास भी इतने डिस्क नहीं है जितने अनूप जी के पास है। आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे यार मैं लेदर के कपड़े पहन के नाच नाच के गा के इतने गाने गाता रहा, ये चुपचाप शॉल लेके गा के इतने डिस्क लेके। अनूप सर एक भजन हो जाए। बिल्कुल सुना। बड़ा कहते हैं ना कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई, तब ये सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको एक भजन सुनाता हूँ। जी सर प्लीज। क्या बात है सर, वाह मजा आ गया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आप तीनों ही कमाल की गायकी के लिए जाने जाते हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे सालों की मेहनत है, रियाज है। कभी ऐसा हुआ सर आप रियाज कर रहे हो और पीछे से आपके महागुरु की आवाज आई हो, सुनो चार सीट के बाद गैस बंद कर देना। अभी महामंत्री के आगे तो नहीं चलती ना कि रियाज, मतलब होता है आपके साथ ऐसा? हाँ हाँ विघन पड़ता है रियाज। बिल्कुल बहुत पड़ता है। मैं बोला घबरा जाता हूँ थोड़ी कि जब आप गाना गाते हैं या रियाज करते हैं तो ध्यान में रहते हैं आप। हाँ। जी ये क्या हुआ यू गेट अपसेट विद दैट। आपको भी हुआ होगा ना? सबको हुआ। मगर एक बात है, कमाल है, मेरे घर पे दो कुत्ते हैं बड़े बड़े, और जैसे मैंने शुरू किया तानपुरा अच्छा और जब तक मैं गाता हूँ सुनते रहेंगे। शांत वाह क्या बात। और मैं ये बात सच है, अच्छी बात है, और मैं दुआ करता हूँ कि हर आदमी हर इंसान के अंदर ये गुण आ जाए, ये आ जाए, ये गुण आ जाए, गुण आ जाए कि सुर सुनते सुनते एकदम इसे सुन हो गया और सुन गया।
मेडिटेशन ही होती है सर. मेडिटेशन मैं सोचता हूँ कभी कभी आप जैसे धुरंधर लोग, आपको कितना मजा आता होगा ना. कभी आप खुद ही जब गाते हैं मुझे लगता है आपको भी याद नहीं होता कि आपने पिछली बार कौन सा सुर लगाया था. इस बार हर बार इम्प्रोवाइज करते हैं आप जी. कभी आप खुद ही गाते गाते अपने लिए नहीं बोलते वाह हरिहरन क्या बात है. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे याद है एक बार मेरा सौभाग्य है कि हरी सर हमारे घर, हमने म्यूजिक की महफिल लगाई थी, अनूप सर भी थे, पंकज सर का तब उस समय पता नहीं कहीं थे, आप थे, उदास थे आप जी. हरी सर ने जब गाया ना तो ये लग रहा था कि अब क्या हो सकता है इसके आगे, मतलब इतना मजेदार. थैंक यू सर, वी लव यू. यस, बड़ा मजा आया उस काम. हाँ सर, बहुत जल्द फिर से शुरू हो चुका है सब. अब की बार उदास नहीं हूँ क्योंकि मैं कपिल जी के घर पे जा रहा हूँ तो उदास हो ही नहीं सकता. सर जब आप स्टेज पे जाते हैं, मंच पे, तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ आपके सॉन्ग्स होते हैं या गजलें होती हैं. कभी मन में होता है ना सर कि मैं आज, मेरा मन में है कि काश ऐसा कोई मंजर होता सुनाऊंगा, लेकिन बीच में से सडनली कोई उठ गया हो, सर जी गजरा रहे ऐसा होता है आपके साथ सर? अरे बिल्कुल. फिर क्या करते हैं आप? मैं अपना जो गाना है गा लेता हूँ. डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा चौपट हो जाते हैं एक्चुअली प्रोग्राम जो है. तो कहता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, कजरारे तक पहुँचूंगा, मैं अभी ये गा लेता हूँ. ये मेरे साथ हुआ है. अच्छा जी. सही में आपने ये जो जी, बात कही ना कि बहुत सालों पहले की बात है, कम से कम 25 साल पहले की बात. अच्छा जी. तो मैं गा रहा था वहाँ पे और ओपन एयर पब्लिक शो था और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें से मैंने 2-3-4 गज़लें गाई होगी. तो एक साहब आए और मुझे कान में कह गए कि भाई फलां फलां गज़ल है अभी सुना दो. तो एक कलाकार का अपना मूड होता है आप जानते हैं. तो मैंने कहा क्यों अभी सुनाऊं भाई, मैं किसी का गुलाम तो हूं नहीं कि कोई मुझे कहे कि अभी सुनाओ तो अभी सुनाओ. गुलाम अली साहब वो तो सुना भी थे, वो तो गुलाम. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था. तो मैंने कहा मैं सुनाता हूं जी. थोड़ी देर के बाद फिर से आए, कहने लगे वो सामने साहब बैठे, उनकी फरमाइश है. अच्छा जी. तो सामने देखा एक साहब बैठे हुए हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे सामने बैठे हुए हैं. तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई सुनाने वाला हूँ बट इतनी जल्दी क्या है उनको. तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो उन्होंने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला हुआ था और यूं कर रहे थे. ओहो. उसके बाद मेरी जो आदत हुई है सुनाते. अच्छा मेरे प्रोग्राम में एक ने फरमाइश की, अनूप जी वो ऐसी लागी लगन सुना दीजिए. तो मैंने कहा बिल्कुल सुनाते हैं. और मैंने जैसे शुरू किया वो बाहर चले गए. अरे क्यों? और जब मैंने खत्म किया तो आए. मैंने कहा ये क्या हुआ यार, तुमने फरमाइश की? कहता मैंने तो सुना हुआ, मैं चाहता था ये लोग सुने. एक बार तो हरी सर ने किस्सा सुनाया था, कहते कोई बहुत बड़े गजल सिंगर गा रहे थे तो सामने कोई बैठ गया ऐसे आके और वो अपने लय में गा रहे हैं तो उनको देख के आता है ओ गॉड. ऐसे नहीं. ओ गॉश. और फिर नाराज हो गए सिंगर, मतलब बदतमीज ये क्या कर रहे हो. ग्रीन रूम में लेके गए एक थप्पड़ मारे, क्या क्या कर रहे हो तुम? सर मैं आपका फैन हूँ. मैं कह रहा था कि थोड़ा जवाब नहीं है. मार रहे आप. पर अच्छा सर, लाइव कॉन्सर्ट्स में कितने सारी ऐसी चीजें होती है ना कि जिनको बाद में सोच के तो हंसी आती, लेकिन उस समय तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता कि यार ये क्या हो क्या रहा है. कई बार कोई लफड़ा हो गया, कोई साउंड का पंगा हो गया, या ऑडियंस में से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया. जैसे अनूप सर आपके तो फिर भी वो डिसेंट वाले आते होंगे ना, ज्यादातर भजन गाते हैं जब बाद में फिर फल फूल लेके आते हैं, आपका डिनर तैयार है. हाँ. और आई एम श्योर पंकज सर आपके तो वहां पे पीवी के भी आते होंगे क्योंकि आपने इतना गजलें वैसी वाली भी गाई हैं. मैंने तो ये गाया है कि थोड़ी थोड़ी पिया. हाँ. तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि पियो. पर हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग है ना, जैसे आप पंजाब में कहोगे थोड़ा तो हमारा थोड़ा इतना होता है. रिएक्शन कमाल होता है जब कोई गा रहा है ना ऑडियंस का,
एक तो कोई बोला वाह क्या बात है वाह, कुछ छेड़िए ना कुछ ऐसे कुछ सुर छेड़िए ना कुछ रिएक्शन होते हैं। हाँ गई सागा मदम गजनी धनी मबदा सनी सदा मग गनी सदा धनी जग धनी जग धनी जग पूरा क्या बात है। कुछ और भी हो थैंक यू क्या बात है सर बाबा थोड़ी देर के लिए तो हम भूल गए थे हमारा शो का नाम क्या है तो मजा आने लगा था सर। आपको पता है हरी सर जब हमने फर्स्ट टाइम सीजन शुरू किया था जी आप और रेखा मैम साथ में आए थे जी तो आपने हमारी फरमाइश पे किशोरदा के गाना सुनाया था तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं। जी 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 सर थोड़ा ऐसे ही मतलब ऐसे अभी हम आपके फैन है लालची हम क्या करें। वाह वाह मजा आ गया क्या गाया। नमस्ते 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 जी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। मैं हूँ इनके चाचा जी की बेटी और मैं हूँ इनके ताऊ जी की लड़की। एक मिनट आगे आओ जरा मेरा तो कोई चाचा ताऊ नहीं है लेकिन लड़कियाँ तो हैं ना हैं लड़कियाँ इतना भी कंफर्म नहीं हमारे शो में सब उल्टा पुल्टा होता है। दीदी आप कौन? मैं कौन? हाँ जी वो बैठे ना स्वेटर पहन के जो मैं उनकी दूर की बुआ की लड़की। मेरी तो कोई नजदीक की भी बुआ नहीं है तो दूर की बुआ कहाँ से आ गई? तो क्या हुआ लड़की तो हूँ ना मैं। क्या तुम लोग क्यों हंसी हो? हाँ चलो भागो यहाँ से आई बड़ी। सर सॉरी ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं भाभी हैं ये तितली भाभी इनको ना ये राइमिंग वाइमिंग बोलियां डालने का बड़ा शौक है हटती नहीं है। ये हमारे देवर जी है कपिल शर्मा इनको एक भी बोली नहीं आती। मैं कमाल है अब ये जो जो है ना ये जो हरी सर ये पिछले जन्म में स्कूटर थी तो ये हैंडल रह गया इनका। मुझे तो सींग लग रहे। सर आपको मेरी दो चोटियों से जेलस हो रही मैंने आपकी एक चोटी से जेलस की? नहीं नहीं आपने की नहीं मगर क्या होता है ना कि मेरा जो है ये यूं है वर्टिकल है ये ऐसे क्यों है आपका? ना सर मेरे पास अभी भी इतनी सी तार पड़ी है डालो तो आपका भी यही। लेकिन सच्ची देवर जी मैं अनूप जलोटा जी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्यों क्या हो गया? सर मैं कितने दिनों से आपका वेट कर रही थी आप इतने दिनों बाद आए हो तभी आप दुबली लग रही हैं। एक्चुअली पहले भी आना चाहिए था आपको। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे लौटा नहीं अनूप से लौटा कहते हैं। क्या बात है। और सर मैं आप तीनों की बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन अनूप जी मुझे वो गाना सुना दीजिए तो मैं हरिहरन जी से घुंघरू टूट गए वो सुन लूंगी। अरे वो पंकज उदास जी का है। ओहो यार मेरे को तो समझ लेकिन आप लोगों के जो जो गाने हैं ना प्लीज आप मुझे सुना देना आपस में लड़ना नहीं मेरे पीछे। वो कहाँ लड़ रहे हैं भाभी? हैं वो लड़ेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता मेरी शादी हो गई है। तभी तो पंकज उदास है वरना पंकज खुश होता। भाभी इतने ग्रेट सिंगर हैं तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें पता था कि भाभी फालतू बातें करती है तो ग्रेट सिंगर क्यों बुलाए छोटे सिंगर बुलाते। आए बड़े पंकज जी बताइए फिर आपकी उदासी कैसे दूर करें। भाभी क्या बातें कर रही हो तुम? क्या आपको क्या लगता है उन्होंने गजलें इंजीनियरिंग करके की है? ना ना उनका भी कभी दिल टूटा होगा कभी दिल जुरा होगा तभी तो ऐसे गजलों का माहौल बना है। ऐसे थोड़ी वरना ऐसे थोड़ी 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हरिहरन जी जैसा स्टाइल रख सकता है। भाभी यहाँ पे करने क्या आई आप? इतने बड़े बड़े सिंगिंग के महारथिया है मैं इनका आशीर्वाद लेने आई हूँ ताकि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी सिंगर बन जाऊँ। आपको आती है सिंगिंग? सिंगिंग है मुझे मुझे सर्दियों में बहुत सिंगिंग आती है लेकिन गर्मियों में नहीं मेरे से सिंगिंग हो पाती। ऐसे सर्दियों क्यों? में पानी डालो ना सर ऐसे सुर निकलते हैं ना वो मजा ही आ जाता है। मैं सच्ची कहूँ मैं एक बात बताना भी चाहती हूँ मैंने 2 गाने AR रहमान जी को सुनाए थे। क्या कहते फिर? कुछ नहीं कहा पता नहीं साउथ शिफ्ट हो गए वापस ही नहीं आए। सच्ची कह रही हूँ अगर आप लोगों को भी
किसी को साउथ में शिफ्ट होना तो मेरे दो गाने पीछे सुन लीजिए, आप भी शिफ्ट हो जाएंगे। भाभी क्या तुम मजाक कर रही हो, तुझे पता गजल गाने के लिए कितनी सालों की मेहनत लगती है, तैयारी करनी पड़ती है। मैंने 15 मिनट लगाए। अच्छा। दाल मंगा ली है, छोटा छोटा प्याज काट लिया, हरी मिर्च भी तीखी सी ऐसी काटी मैंने, वो नींबू ने जोड़ दिया है बस मैंने। ये कौन सी गजलों की तैयारी हुई? रेन की गजलों की तैयारी। इन्होंने शराब पे जो गजले गई हैं ऐसे घर घर के। सच्ची कह रही हूँ सर, ड्राई डे पे अगर दारू ना मिले, इनकी दो गजले और नींबू चाट लो, आपको लगेगा पूरी एक बोतल पी है। क्या तुम भाभी झूठ बोल रही है, ऐसे करता है कोई गजले सुन के नींबू चाटते? हाँ जी क्यों नहीं करता, मेरे चाचा का बेटा करता है, महेश चिड़चिड़ा। महेश चिड़चिड़ा, ये कैसा नाम हुआ? अच्छा जी, आपका पंकज उदास हो सकता, हमारा महेश चिड़चिड़ा नहीं हो सकता। भाभी हो गया आपका? मेरे 11 हो गए, मेरा 12वें का कोई विचार नहीं है, समझे? एम ही हो गया। इतने बड़े सिंगर आए हैं हरिहरन जी, मेरा बचपन से सपना था कि जब आप लोग हमारे शो पे आओ ना, तो मैं बोलियां डालूं और आप लोग मेरे साथ गिद्दा डालो। तो हो जाए फिर? हो जाए, और 2-4 किलो कम हो जाएगा। जी आ जाओ। आ जाओ। आप तो ठंडे ही हो गए हो। हाँ जी एकदम। कोई बात नहीं, आप खाइए। ओ गर्म हो गए। ओ माय गॉड, क्या बात है, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। सांस जरा भी नहीं चढ़ी, बिल्कुल सांस चढ़ी नहीं, मैं फ्रेश हूँ सर। नहीं मैं तो देख के आ रहा हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। अच्छा। मैं बहुत फ्रेश हूँ, मुझे सांस चढ़ी नहीं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अर्चना जी, हम ये तो सब जानते हैं कि चिट्ठी आई है गाना हमारे देश में ही नहीं बल्कि खास तौर पे विदेशों में जो बसे हैं भारतीय, वो लोग रो पड़े थे उस समय जब ये गाना आया था सर। थैंक यू सो मच फॉर चिट्ठी आई है। पर उसके पीछे सर हमने किस्सा सुना है कि जब आपने वो गाना रिकॉर्ड किया था जी, तो आपने स्टूडियो में गद्दे वद्दे लगवा लिए थे जी। उसके पीछे क्या किस्सा है सर? ये गाना लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज किया था और अच्छा जी का नाम फिल्म का म्यूजिक उनका था जी। तो जब मैंने दो एक बार गाया तो लक्ष्मी जी आए मेरे पास बैठे, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके जहन में एक बात आई कि आप जब लाइव कॉन्सर्ट करते हैं तो आप कैसे गाते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने कहा गद्दे पे बैठते हैं, हारमोनियम लेके गाते हैं। तो बोले एक काम करते हैं, बोले आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा है, उसका हॉल बहुत बड़ा है जी, बहुत ही बड़ा है, और ये गाना लाइव हुआ था, इसमें कोई डबिंग नहीं हुई थी। तो सारे म्यूजिशियन, कोई 60-70 म्यूजिशियन बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया कि बीचों बीच उन्होंने 4-5-6 टेबल लगा के और वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया और वहाँ हारमोनियम रख दिया और माइक की वो सेटिंग वहाँ कर दी। तो एक रिहर्सल हमने शुरू किया, तो बस एक अंतरा गाया था और लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सही है, टेक करते। और चिट्ठी आई है बहुत लंबा गाना था जी। चिट्ठी आई में 3 अंतरे थे और कम से कम 25-30 लाइनें थी गाने की। जी जी जी। आप मानेंगे नहीं कि वो क्या, कुछ कुदरत का करिश्मा कहें या जो भी कहें, कि एक टेक में मैं पूरा गाना गा गया विदाउट एनी, यानी कोई ग्लिच नहीं आई, कोई लफ्ज नहीं भूला, कुछ नहीं हुआ, किसी म्यूजिशियन ने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं हुआ, गाना मैं पूरा गा गया। कम से कम 7 मिनट का गाना, मुश्किल है। अब वो जब खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अभी लक्ष्मी जी कहेंगे कि चलिए एक और करते हैं, क्योंकि जो हमारे वहाँ जिस तरह से काम होता है कि कम से कम 2-4 टेक तो होते ही हैं। तो लक्ष्मी जी बाहर आए और कहने लगे पंकज जी आपने कमाल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बस आप आइए अंदर और सुनिए। अच्छा। तो अंदर मैं गया और हमने गाना सुना तो देखा कि जो अंदर लोग खड़े हुए थे, जिसमें भट्ट साहब भी थे और सलीम साहब जिन्होंने स्टोरी लिखी थी वो भी थे और राजेंद्र कुमार जी भी थे, और लक्ष्मीकांत जी की पत्नी जो कभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा जाती नहीं थी कभी, वो भी आई हुई थी। अच्छा जी। तो आई कुड सी के वो आंखें पहुंच रही थी। ओ। तो उस वक्त ये एहसास हुआ, और बाद में लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि पंकज जी जब मुझे आपने बताया कि आप स्टेज पे इस तरह से गाते हैं, तो बोले मैंने एक चांस लिया कि क्यों ना वो माहौल बनाया जाए कि जो स्टेज पे होता है। वाह वाह। और इट वर्क्ड। क्या बात है, बहुत बहुत कमाल। वाह 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 वाह। क्या बात है,
तो सर जैसे मतलब आज की डेट में चिट्ठी आई है गाना गाना हो जी, तो आज भी गद्दे लगते हैं या सोफे पे भी गा सकते हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मतलब हमारे पास गद्दे तो नहीं है, पर मतलब सोफा पे आप विराजमान है, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि ये इस गाने को हम सुने बिना प्लीज प्लीज। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। जो ताल में है वो बेताल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल है। हमने तो सर आपके इतने गाने सुने, उस समय मैंने एक तू ही धनवान है गोरी, उसमें जॉन अब्राहम मॉडल थे। तभी वापस देखा ना वीडियो, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़े स्टार बन गए अभी जॉन अब्राहम। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स जो आपके वीडियोस में आते थे, जो मेरे वीडियोस में काफी लोगों ने काम किया। लेकिन बहुत सारी गजलें ऐसी भी है, जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि एक दिन इनके घर पे, बिकॉज कपिल कितना अच्छा गाते हैं, पता नहीं आपको सबको मालूम हो कि नहीं, लेकिन कपिल जी इतना अच्छा गाते हैं और सुर में गाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे नहीं सुर में गाते। तो मैं चाहूंगा एक बार हम तीनों आपके घर बैठे। सर सर मेरा तो और बहुत सुनने आए अरे जान तो पाए हम लोग, लेकिन डेफिनेटली सर एक माहौल तो बनता है, आपको सुनाएंगे और आपको सुनेंगे। मैं जब मुंबई नया नया आया, मैं आया था 73 में। अच्छा, तो मेरा एक शामे गजल टीवी पे प्रोग्राम आता था, उसमें मैंने गजल गाई। तो मुझको दूसरे दिन फोन आया सी रामचंद्र जी का, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जी, बिल्कुल उन्होंने ढूंढ ढांड के मुझे फोन किया कि तुम घर आओ मिलने। तो मैंने कहा अब तो बात बन गई, अब क्या, अब तो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने घर बुलाया, इसका मतलब कल से फिल्मों में गाना शुरू। हाँ। हम गए, वो बहुत प्यार से मिले, चाय पिलाई, बेटा तुम्हारा कल गाना सुना बहुत अच्छा लगा, और तुमको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या, कहते फिल्म में गाने के मत ट्राई करना। क्यों? मैंने कहा ये मैं तो हिल गया, ये क्या? कहते तुम्हारे अंदर कुछ अलग कुछ चीज है। अच्छा। तुम जब नॉन फिल्म म्यूजिक गाओगे उसी में तुम्हारा नाम होगा। उनकी दूर दृष्टि देखिए जी, कि उन्होंने ये पहचान लिया कि इसका काम कहीं और फल सकता है। हाँ। ये बड़े लोगों की बात होती है। सही बात। पर क्या बात है सर, आपको हमेशा जब भी अनूप जी का नाम लिया जाता है स्टेज पे, तो हमेशा कोई भी अनाउंसर हो, जो भी है ना प्रेजेंटर हो, वो हमेशा ये बोलते हैं कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। और मैं कसम से बोलूं सर, बचपन में मैं जब आपके भजन सुनता था ना, मेरे दिमाग में मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि आपके पास भगवान कृष्ण का ईमेल आईडी होगा। अनूप जी इतने तैयार सिंगर है ना, मैं एक बार मैं देखता रहता हूँ सर यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के वीडियो। एक बार आप और गुलाम अली साहब साथ में बैठ के गा रहे थे, तो एक गाने को पकड़ लिया जी इन्होंने, उसके बाद गुलाम अली साहब, और ये वो एक ही लाइन पे मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा गाया होगा। तो गुलाम अली साहब भी कहते हैं कि आज लगता है कि आज की शाम ये है इसी गाने में निकलने वाली है। पर क्या बात है सर, वे सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जब जैसे लाइव कंसर्ट होते हैं सर, तो कभी कोई हर उम्र के लोग आए होते हैं, तो ऐसे में दो लोग इकट्ठा आ जाएं, एक किसी बुजुर्ग ने बोल दिया कि मुझे ऐसी गजल सुनाओ, और एक कोई खूबसूरत लड़की आके बोले अनूप जी ये सुनाइए ना ये हरी जी, तब किसकी फरमाइश पहले पूरी करते हैं? मैं मेडली गाऊंगा। मेडली मेडली, क्या बात है सर, सर फिर आज हो जाए, हो जाए। वाह वाह अनूप जी वाह, क्या बात है सर, वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे जगजीत जी जब गाते थे तो बीच बीच में ना हंसी मजाक करते रहते थे, आज वैसा ही माहौल बना दिया अनूप जी आपने, पर क्या बात है। थैंक यू। अच्छा जैसे सर हम आपके मुरीद हैं इतने, हम आपके गाने सुनते हैं, आपके भजन सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, लेकिन जब आपका मन करता है किसी और का गाना सुनने का, आप किनको सुनते हैं हरी सर? मैं हमें उस्ताद जी गुलाम सर खान साहब, वाह, और मेहदी साहब को सुनता हूँ। वाह मेहदी सिंह साहब, क्या बात। सर मैंने आपके बारे में एक किस्सा सुना था कहीं कि आप नकली रिपोर्टर बनके मेहंदी हसन साहब को मिलने घुस गए थे, ये बात सच्ची है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या किस्सा है सर, हमें भी सुनाइए प्लीज। नहीं, वो मेहंदी साहब 75 में भारत में आए थे और मैं तब सेकंड ईयर लॉ में था। अच्छा जी। मुझे पता चला कि खान साहब है, तो यार कमाल है, मैं तो मिलना था उनसे, तो मेरे पास फाइल वाइल था, तो मैंने और भी ऐसे कुछ कर लिया मैंने। देन मैं गया
Hello, ji. Hi. I'm Hariharan. I'm come from Indian Express. Oh. मेरा खान साहब के साथ interview है. I'm a journalist. I'm a musician also. एकदम पूरा ठका ठका. तो देखिए मतलब ठीक है और बेचारे भी लग रहा था. हाँ तो बोले कि ठीक है, एक वेट में एक मिनट ठहरिएगा. तो तारी करके उनका बड़ा बेटा मेदी साहब का, हाँ, तो उनसे पूछा कि कोई आया है रिपोर्टर. तो बोले ठीक है भेज दो. गए ऊपर तो तारी उनके बेटे से बात किया मैंने. जी मैं हरिहरन हूँ और मैं मेदी साहब का इंटरव्यू लेने आया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से भेजा है. हाँ बैठिए आप. बैठे तो कोई नहीं है, ये लोग शेव कर रहे थे, वो चले गए तारी. तो सन्नाटा. थोड़ी देर में यार शेर आ गए खान साहब. तो मैं उठ के खड़ा हो गया, बोला हाँ बोलो कौन है आप. सर मैं कोई नहीं हूँ. एकदम पैर पे लेट गया. मैं बोला खान साहब मैं कोई नहीं हूँ, मेरा नाम हरिहरन है और मैं आपका दीवाना हूँ और मैं उस्ताद गुलाम सौ खान साहब का शागिर्द हूँ. अरे अच्छा, बोला मैंने उनका नाम लिया खान साहब का. अच्छा अच्छा खान साहब कैसे हैं. अच्छा मूड चेंज तक. वाह बैठो 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 बैठो, चाय पियोगे. 20-25 मिनट तक अकेला मैं उनके साथ बात किया मैंने. वाह क्या बात है. दैट वाज माय फर्स्ट. अच्छा मेहंदी हसन साहब के बारे में सुना है हमने, हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान, जो भी उनके साथ वक्त गुजारा है या उनके आगे किस्से सुनाते रहते हैं, वो कहते हैं वो पहले ऐसे सिंगर हैं कि लोग उनका रॉब भी झेल लेते थे. अच्छा. अगर गजल सुना ये गजल जो मैं आपको सुना, बैठे आप. हाँ. तो ऑडियंस वाले बैठ भी जाते थे. यानी सर सुनाइए. बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े फनकार. पंकज सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. मतलब आप इतने हैंडसम हैं, इतना हेयर स्टाइल अच्छा है, आपकी मूछें भी अनिल कपूर जैसी हैं, आप गजलें भी गाते हैं, है ना, इतने पॉपुलर भी हैं, आपका कभी मन नहीं किया कि मैं भी कोई रोमांटिक हीरो आऊं, माधुरी दीक्षित की साड़ी का पल्लू पकड़ के बोलूं कि एक तू ही जनवार. कभी मन नहीं किया? एक्चुअली जब मैंने नाम का ये गाना गाया था चिट्ठी आई है, तो गाना मुझ पर पिक्चराइज हुआ था. जी जी मैंने देखा सर, बिल्कुल जी. तो उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया कि भई आप तो अच्छे लग रहे हैं, आपको फिल्मों में हम चाहेंगे कि रोल करिए आप. अच्छा जी. बट कभी उस डायरेक्शन में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं पहले से. पता ना कि जब बैठे बैठे अच्छा कमा रहे हैं क्यों इतना नाचे. वैसे अनूप सर कभी आप भजन के कोई प्रोग्राम करने जाते हैं और आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया भजन का, उसके बाद ऑर्गेनाइजर आपको आके बोले कि भगवान के नाम के क्या पैसे. हाँ, हाँ, हाँ. कई बार होता है. लोग कहते हैं दे के जाइए. तो मैं जब ऐसा होता है फिर आप भगवान का नाम लेते हैं कि उनके रिश्तेदारों के नाम आते हैं आपकी जबान पे. ऐसे ऐसे किस्से बहुत होते हैं, लेकिन है क्या कि लोगों के अंदर एक धारणा ये बनी हुई है कि जो लोग भजन गाते हैं उनके हाथ में कमंडल होगा. हाँ. 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 और पैदल हिमालय की तरफ जा रहे होंगे. तो जब हमको देखते हैं कि अच्छी खासी गाड़ी में घूम रहे हैं, घर भी ठीक ठाक है, तो उनको सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे. तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको हमारे भजन पसंद हैं, वो कहते हैं आप पसंद हैं. तो हम उनसे पूछते हैं आप हमको इसकी सजा देने वाले हैं या इनाम देने वाले हैं, तो कहते हैं हम इनाम देने वाले हैं. तो हम कहते हैं कि हमारी फिर ऐसी इमेज क्यों बनाते हो. बिल्कुल. पर सर लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आज जब भी मैं, तो जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखता रहता हूँ. मैंने देखा जब जैसे गुलाम अली साहब के साथ आपका लाइव कंसर्ट बहुत बार हुआ है, तो वो ज़्यादातर गजलें गाते हैं, आप भजन बहुत गाए हैं. तो जब आपका और उनका ऐसे कंबाइंड कॉन्सर्ट होता है तो आपको ऐसा नहीं फील होता कि जैसे नॉन वेजिटेरियन पार्टी में वेजिटेरियन आदमी को बुला लिया हो? कभी ऐसा आपके दिमाग में आता है? उस वक्त ये लगता है कि ये वक्त बार बार आए, हम लोगों को मौका मिले ऐसे गाने. हेलो आंटी. हेलो आंटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं. क्या? ये लो न्यू कार. कार? कल से मगरमच्छ पे आना बंद. अच्छा ओके थैंक
कांग्रेचुलेशन आंटी, तो मिठाई के पैसे दे दो ना। अच्छा हाँ दो ना। ए, हाँ पैसे वैसे छोड़। क्यों? मुझे एक बड़े बड़े सिंगर लोग आए हैं। हाय हाय, मैं पूछ क्या कर रहा है। हेलो ग्रीन अंकल। हेलो जी। हेलो वाटर पॉट अंकल। हेलो। हेलो सैड अंकल। ये क्या मतलब? ग्रीन अंकल मतलब हरी अंकल, वाटर पॉट मतलब जल लोटा अंकल, और सैड अंकल मतलब उदास अंकल। सर ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये ऐसे ही बस अभी घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलने। लंबे बहुत हो गए। बहुत लंबे हो गए सर, कुछ तो चौड़े भी हो रहे हैं। चैनल का इतिहास अंकल आपको पता है? जितने आर्टिस्ट है ना, वो घूमते घूमते यहीं आते हैं। और जो नहीं आते हैं ना, वो आज भी घूम ही रहे हैं। हेलो हरियाणा अंकल, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज धनीराम। ओके अंकल, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप उधर अपना वो त्रिवेंद्रपुरम में पैदा हुए ना? नहीं, मैं तो मुंबई में पैदा हुआ। ओ, आई थॉट यू बोर्न इन त्रिवेंद्रपुरम। नो, त्रिवेंद्रपुरम पे पैदा हुए, वो बोल रहे हैं ना त्रिवेंद्रपुरम। ओ माय गॉड, इतना लंबा तो नाम है, हम तो बोल नहीं पा रहे, कोई उधर पैदा कैसे हो जाता है पता नहीं। वैसे अंकल, आपने ना एक्चुअली आप पैदा ना थोड़ा सा जल्दी हो गए, आपको थोड़ा सा बड़े होके पैदा होना चाहिए था। अच्छा, बड़े होकर कौन पैदा होता है? हर कोई छोटा ही पैदा होता है। नहीं मतलब मेरा बाप भी छोटा पैदा हुआ था। हाँ तो छोटे ही पैदा होगा ना। ओ यार, मुझे लगा था मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, मैं तो छोटे बाप की औलाद हूँ। तू सोच, तू छोटे बाप की औलाद है फिर भी कितना मोटा पैदा हुआ है। तू अगर बड़े बाप की औलाद होता ना, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते तेरे को। मतलब क्या बात हुई यार? खैर सुन धनीराम, आज यहाँ पर ज्यादा मत हंसाना। क्यों, क्या होगा? अरे अगर पंकज अंकल जोर से हंस पड़े ना, तो वो पंकज उदास से पंकज खुशहाल हो जाएंगे। तुम लोग यहाँ पे आ गए ना फालतू में, हमारा इंटरव्यू खराब कर रहे हो आप। हाँ तो इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछते हो ना अंकल। क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आई विल आस्क। ओके अंकल्स, आप लोग इतने सारे परफॉर्मेंसेस करते हैं, मतलब जगह जगह जाके शोज करते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, मतलब दुनिया आप लोगों ने देखी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं खाली जानना चाह रहा था कि लॉलीपॉप को चूस के खाते हैं कि चबा के, व्हाट इज बेटर? ये कैसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हो तुम लोग? हाँ तो कोई बात नहीं, बड़ों वाले सवाल पूछ लेते हैं हम लोग। देख धनीराम, पंकज अंकल जो है वो गजल गाते हैं, ठीक है। अनुप अंकल गजल और भजन दोनों गाते हैं। हाँ, हाँ। और हरिहरन अंकल सब कुछ गा लेते। तो अंकल जब वो सब कुछ गा लेते तो उन्हीं को बुला लेते, उनका टाइम क्यों वेस्ट किया? भाई ये बहुत समझदार आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई ये बच्चा। इतने बड़े माल लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसी बातें कर लेंगे। कैसी कैसी? वैसी वैसी कैसी? वैसी वैसी कैसी? वैसी वैसी वैसी। अरे हम तो वैसी बातें करने जा रहे थे, आपने कैसी बोल के बात की, ऐसी की तैसी कर डाली यार। आप भी ना अंकल, कुछ भी ये अंकल कुछ भी बोल, मेरे को पूछने में। हाय अंकल, ग्रीन अंकल, हरियर अंकल, आपका एक गाना था, मुझे पूछना था उसमें कितने हीरे हैं? कौन से गाने में? टू हीरे, टू हीरे, टू एंड टू तो फोर हो गया, और कितने हीरे गाने? कैलकुलेशन ना हम लोग बाद में करेंगे। मुझे पंकज अंकल से पूछा था, पंकज अंकल मेरे एक चाचा हैं, वो ना गाड़ी खरीदने लाइक अ न्यू कार, तो उनको लोन चाहिए, तो वो गोरी वाली आंटी को आप जानते हो ना, उनसे लोन दिला दो ना। कौन सी गोरी आंटी? अरे पंकज अंकल ही बोलते रहते हैं कि एक तू ही धनवान है, गोरी बाकी सब कंगाल। बेटा हर गोरी धनवान होती है। सही बोल रहे अंकल, तुम हमको भी मिला तो मुझे भी मजा आ जाए। मैं वैसे नहीं कह रहा, आप बोल रहे बच्चा है। एनीवेज, ओके अंकल, आप लोग को नासा पता है? नासा लाइक ऑल साइंस एंड ऑल हैपिंग नासा। तो नासा के लोग आप लोग से तो बहुत चिढ़ते होंगे ना? क्यों? कि हर गाने में ये चांद तारे तोड़ देते हैं।
इमेजिन कीजिए एक कोई एस्ट्रोनॉट ऐसे चांद पे चल रहा है और ये पीछे से आके चांद ही तोड़ देता है। कैसे पढ़ाई हो गई? सब सीख ले, भी नो इंग्लिश आल्सो। रियली? एवरीथिंग इज कूल डूड मैन। पास हो गए? पास हो गए, पास हो गए अंकल। हमको इंग्लिश सब। आई एम वेरी हैप्पी, माय मॉम वेरी हैप्पी, माय डैड इज आल्सो वेरी हैप्पी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अंकल लाइफ में ना थोड़ा टेंशन दो ना। अरे टेंशन कौन मांग रहा है? मैं कैसे टेंशन दिला दूं तुम लोगों को? गर्लफ्रेंड बना दो हमारी। मैं क्यों बनवाऊं तुम लोगों की गर्लफ्रेंड? अच्छा, हम इधर आके आपका एपिसोड बनवाते हैं, यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं बनवा सकते क्या? गर्लफ्रेंड के पास जाओ, वो भी बोलते जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इनके पास आओ, ये भी बोलते जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जब देखो जब। अच्छा अंकल, मेरा ऐसे अब्रप्टली एक सवाल था आपसे। अब्रप्टली? ये आप लोग एक शो का हाउ मच डू यू चार्ज? कितना पैसा? ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं। अरे यहां नहीं पूछते, यहां नहीं। ऐसे सवाल पूछते हैं मेहमानों से। मैंने कितनी बार बोला ऐसे सवाल मत पूछवाया करो यार मुझसे। आप इतनी एम्बेरिसमेंट होती है सब ऐसा पूछने। पैसे वेरी मनी माइंडेड लेडी यू नो आंटी। सब जानना है उनको कौन कितना पैसा ले रहा है, क्या हो रहा है। लगा कुछ भी बोले जा रहे हो तुम दोनों। नहीं नहीं, मैं अंकल आप लोग इतने सारे शोज करते हो तो आपका तो बैंड वैंड होगा जो साथ में जाता है। अंकल हम दोनों को अपने बैंड में शामिल करो ना। मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम दोनों को कुछ बजाना आता है? ये सवाल आपने कभी इनसे पूछे? अंकल आपने गाना गाया, अब रीशूट करना पड़ेगा ये लोग को। पैच वर्क होगा ना? करेक्ट अंकल? आई नो आई नो। ये जो पीछे वाले अंकल है ना, वो जो है ना अंकल, वो जो ड्रम स्टिक से बजाते हैं, सारा दिन ड्रम स्टिक से बजाते हैं, फिर वो ही स्टिक से शाम को नूडल खाते हो। ये भगवान। और ये पता नहीं इतनी इज्जत क्यों देते क्या आप? लॉस एंजलिस से शकीरा का बैंड लाए हो क्या? ये कपू अंकल भी ना है। अंकल अंकल हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा? हाँ, अभी ना हमारे स्कूल में कंपटीशन था, डांस कंपटीशन। हाँ। उसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। आपका गाना अंकल हमने किया, वहाँ पे ब्रेक डांस किया था आपके गाने पे। बहुत खुश है टीचर लोग। ब्रेक डांस? इनके कौन से गाने पे ब्रेक डांस? वेव यू शो यू। ओके, वी आर गोइंग टू परफॉर्म ए ब्रेक डांस ऑन ए गजल एंड दिस इज धनीराम, दिस इज रामलाल, वी आर परफॉर्मिंग फॉर यू। आर यू रेडी? यस वी आर रेडी। ओके प्लीज सिंग, लेट्स गो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरिहरन साहब, अनूप साहब और पंकज साहब के लिए। आइए सर। थैंक यू सर। जेन्युइनली हमारे पास अल्फाज नहीं है आपको थैंक यू कैसे बोलने, पर आज की शाम जो है वो हमेशा यादगार रहेगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक्स अ लॉट सर। आपने मैं और अनु भाई और हरी जी भी पिछली बार आपके पास आए थे जी, इनमें कोई ऐसी बात है कि हमसे वो करवाते हैं जो कभी हम नहीं करते? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लव यू सर। थैंक यू। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ आप धोते ही होंगे, हमें आप पे विश्वास है। गुड नाइट, शब्बा ख्याल। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।